Hello all, welcome to my YouTube channel guys. In this particular video I'd like to share with you one more problem guys. So guys यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक problem जो कि ये interview में question पूछा गया था, ठीक है, मेरे एक friend से. तो इसमें problem क्या थी guys, बहुत ही simple है program क्योंकि ये बहुत ही nursery standard program है. How to minimize number of loop iterations when you find out duplicate elements occurrences from an array. इसका मतलब ये है guys कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है, ओके, जैसे कि मान लो ये आपके पास एरे है, ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है फोर, राइट. मैंने फोर इनपुट किया और हमने क्या किया, जो एरे है उसकी लेंथ माइनस वन तक लूप चलाया और हर एक इस एलिमेंट को हर एक एरे के एलिमेंट से मैच करा लिया. जहाँ जहाँ मिलता गया वहाँ पे मैं एक काउंटर में बढ़ाता गया, ठीक है. जैसे कि इस केस में हमें रिटर्न क्या होगा, वन टू एंड थ्री, थ्री आउटपुट आएगा, राइट. क्योंकि तीन बार यहाँ पे फोर अवेलेबल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इतना है. लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं करना है. इस केस में क्या है कि जो प्रोग्राम है उसमें तो हम लोग ये एक लेमैन तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ये अचीव करते हैं, बट बेसिकली हमें इस तरह से नहीं अचीव करना है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं उन्हें भी साथ में रिड्यूस करना है. इस केस में क्या होगा, मिनिमम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एरे की लेंथ है सेवन, ठीक है, इस एरे की लेंथ आपकी है सेवन, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो लूप चलने वाला है वो एटलीस्ट मतलब हर एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए इस लूप की लेंथ तक जाएगा ही जाएगा, मतलब उतनी बार इटरेट होगा ही होगा, ठीक है, इन ऑकरेंसेस को पता करने के लिए. लेकिन गाइस हम लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ जो लूप के इटरेशन है उसे भी रिड्यूस करना है और हम कम से कम इटरेशंस में इस एलिमेंट्स को फाइंड आउट करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑकरेंसेज अवेलेबल हैं, राइट. तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं. सो गाइस चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं. इसके लिए क्या करने वाले हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग क्या लॉजिक बनाएंगे गाइस कि एक लूप चलाएंगे. लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, देखिए कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि एरे जो है, जैसे ये एरे है इस केस में क्या है, इसकी लेंथ है सेवन और ये जो एरे है इसके केस में है सिक्स, ठीक है. तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं एरे की लेंथ, दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इवन हो सकती है या तो ऑड हो सकती है, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लेन लेन ऑफ ए आर आर मान लेते हैं, यहाँ पे एरे है, ठीक है, उसकी लेंथ टू इक्वल इक्वल अगर जीरो है, ठीक है, इफ़ यहाँ पे इफ था, इक्वल इक्वल जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे कि हमें क्या करना होगा, लेन लेन और ए आर आर और डिवाइडेड बाई टू, राइट. तो क्या होगा गाइस कि जैसे कि सिक्स आया इस केस में, फॉर एग्जांपल सिक्स आया तो ये क्या होगा, इवन हो जाएगी, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, राइट. तो हम उस केस में इस चीज़ को हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल रख लेते हैं, उसमें रिटर्न हो जाएगा. और एल्स में क्या होगा गाइस कि अगर मान लो कि ये इवन वैल्यू नहीं निकली, जो एरे की लेंथ है इवन नहीं निकली, वो ऑड निकलता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे len ए आर आर, ठीक है, ए आर आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डबल स्लैश में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने सिंगल यूज़ किया था क्योंकि इवन है, वहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि डेसिमल में मतलब पॉइंट में वैल्यू आए, यहाँ पे आने के चांसेस हैं, तो इस वजह से मैं इसको फ्लोर में कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है, तो फ्लोर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्लस वन करूँगा, ठीक है. तो कहने का मतलब है इसके केस में फोर टाइम लूप चलेगा, इसके टाइम में थ्री टाइम लूप, जो रिजल्ट निकलेगा वो थ्री निकलेगा, इसके टाइम में फोर निकलेगा, तो मतलब जो भी है उसका फ्लोर उससे एक प्लस तक, राइट. तो इतनी चीज़ समझ में आई गई, ठीक है. अभी पहले मैं इतना करता हूँ, ठीक है, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, राइट. तो चलिए अपने प्रोग्राम विंडो पे आते हैं. यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ एक, राइट, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ फाइंड डुप्लीकेट, ठीक है, अभी के लिए मैं इसी इसका नाम सिर्फ इतना रख देता हूँ, फाइंड डुप्लीकेट, ओके. और यहाँ पे एक एरे आएगी जो कि होगी, और यहाँ पे यूज़र द्वारा इनपुट किया गया है वो नंबर होगा कि जो नंबर वो एरे से फाइंड आउट करना चाहता है कि कितने डुप्लीकेट ऑकरेंसेस इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं
num इनपुट कर लेता हूँ एज अ पैरामीटर जो आएगा, और यहाँ पे एक मैं सी डी वेरिएबल ले रहा हूँ। सी डी का बेसिकली क्या है, चलिए पूरा नेमिंग कन्वेंशन कर देते, काउंट डुप्लीकेट। ओके, ये क्या करेगा, काउंटर रहेगा हमारा ये वेरिएबल, जो नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसको इसमें काउंट करके हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और एक इटरेशन मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ। इटरेशन किस लिए ले रहा हूँ, सो यहाँ पे इटरेशन इसलिए ले रहा हूँ गाइस कि जो लूप हमारा चलेगा वो कितनी बार चल रहा है उसे भी हम काउंट करें, ताकि हम इससे अंदाजा लगा पाएं कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार इटरेट हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे बना रहा हूँ अभी इटरेशन, इसीलिए अलग से मैंने एक वेरिएबल लिया। चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा इसमें फॉर लूप में ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, अलग से मैंने डिफाइन कर लिया। ओके, यहाँ पे एक आई ले लेता हूँ इन रेंज। ओके, और लूप मेरा चलेगा जीरो से कहाँ तक चलेगा गाइस, ये जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेंथ, और लेन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लेन ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ लिया, राइट, ठीक है। लेन और इसमें हम करेंगे ए आर आर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इफ अगर लेन ए आर आर मॉडुलो टू, अगर ये वैल्यू इवन है तो हम रिटर्न करा देंगे सिंपल ये वैल्यू, और अगर नहीं हुआ तो हम रिटर्न कराएंगे एल्स। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो फ्लोर वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई हमारी, इससे हमारी निकल जाएगी फ्लोर वैल्यू, राइट, इससे हमारी फ्लोर वैल्यू निकलेगी एंड प्लस वन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ तक लूप चलेगा, राइट, और एक वन का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे सबसे पहले, अभी नॉर्मली हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा गाइस एक काम करते हैं, अभी इतने को कमेंट करते हैं, पहले हम नॉर्मल लेंथ तक चलाते हैं लूप कि आखिर ए आर आर लेंथ पे किस तरह से कितने ऑकरेंसेस, कितने बार रेपिटेशन होते हैं, हमारा जो लूप कितनी बार इटरेट होगा, ये पहले हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं इटरेशन रख लेता हूँ अलग से, यहाँ पे मैंने पुट किया प्लस इंक्रीमेंट किया इक्वल टू वन, राइट, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ ए आर आर यहाँ पे आएगा आई इक्वल इक्वल अगर नम, जहाँ पे भी मैच होगा तब उस केस में हमें जो है ऑकरेंसेस जो हैं उसके काउंट नंबर ऑफ काउंट निकालने डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोग्राम में हम डुप्लीकेट्स नहीं कहेंगे, ये पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब इंटरव्यू में पूछा गया कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है हमारे हिसाब से, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ अकरेंसेस इसमें ढूंढने हैं कि मतलब इस एरिया में कितने अवेलेबल हैं, जैसे हमने पास किया फोर तो उसमें से वो काउंट करके दे दे हमें कि इस एरिया में नंबर ऑफ ये कितनी बार अवेलेबल है, बस बेसिकली डुप्लीकेट्स इज समथिंग। ओके, बट स्किप करते हैं, मेन हम प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट काउंट डुप्लीकेट को यहाँ पे प्लस इक्वल टू इटरेट करते हैं, राइट, और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं दोनों चीज़ें। str यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में मैं नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स जो एलिमेंट्स यहाँ पे ऑकरेंसेज हैं वो बेसिकली मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और राइट हैंड राइट साइड मैं प्रिंट कराता हूँ इटरेशंस कि मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब लूप कितनी बार चला है हमारा, इससे मैं ये इवेलुएट कर लूँगा, राइट, कंट्रोल एस इसको मैंने किया, और ठीक है, और मैं इसको ओपन करता हूँ पाइथन 3। ओके, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बी टी टी एज बी, शिफ्ट इंटर और बी, और मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम कॉपी कर लेता हूँ गाइस, कॉपी एंड पेस्ट इट, और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो यहाँ पे एरिया में पास करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल 2 1 2 2 कॉमा 5 3 एंड कॉमा 2, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6, ओके राइट, और हम फाइंड करने वाले हैं 2, शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स हैं सबसे पहले, तो लेंथ हमारी जो 6 है वो 6, मतलब लूप हमारा 6 टाइम चला है, ठीक है। ये मैंने इसलिए प्रिंट कराया ताकि हम ये समझ सके कि हमारा लूप कितनी बार इटरेट हुआ है, ठीक है, 6 टाइम, और नंबर ऑफ ऑकरेंसेज जो हैं जो इसमें अवेलेबल हैं 2, कितनी बार इस एरे में आया है वो चीज़ मुझे मिली है 3 टाइम, तो मतलब ये करेक्ट है, प्रोग्राम सही है, ये एक लेमैन तरीका है गाइस बेसिकली। लेकिन हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ इटरेशन है उससे रेड्यूस करना है और साथ में उसके ऑकरेंसेज भी पता करना है, दैट इज द चैलेंज एक्चुअल। सो गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब मेन लॉजिक पे आते हैं। तो इस केस में तो क्या हुआ कि हर बार लूप चल रहा है, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जब इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, हाफ ही लूप चलेगा, पूरे टाइम लूप नहीं चलेगा, हाफ लूप चलेगा, ठीक है, हाफ लूप चलेगा, और दोनों चीजें हमें मैच भी करानी होगी। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या होगा कि अभी नॉर्मली क्या हुआ, जैसे इस केस में लूप कुछ ऐसे चलेगा, इसका हाफ चलेगा इस केस में, और ये चलेगा इसका हाफ, ठीक है, यहाँ तक लूप चलेगा, और इस केस में इतना लूप चलेगा, ठीक है, इस इधर का पोर्शन चलेगा,
लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि गाइस जैसे कि इसमें इतना लूप चला और इस वाले में इतना लूप चला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेंथ वेरिएबल है, ये जो एल आया है, एल में क्या आया होगा कि 3 आया होगा, राइट। अभी जैसे कि इसकी बात मैं करूँ तो 3 आया है, तो जैसे कि 3 आया है तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स गाइस, देन ओके। तो क्या होगा फर्स्ट टाइम, जैसे इसको भी अभी मैं कंसीडर करके चलता हूँ, राइट, ठीक है। ये 6 वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लूप फर्स्ट टाइम आया, आई की वैल्यू है 0, राइट। 0 होगा तो क्या होगा कि हम मैच कराएंगे, जैसे कि नम नम हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस साइड पे नम है, ठीक है, और इस समय हमारा एरे का एलिमेंट है, ठीक है, ए आर आर एरे का एलिमेंट है, ओके जस्ट मिनट, ओके। तो जैसे 0 हुआ तो उस केस में क्या होगा कि ए आर आर का एलिमेंट है हमारा 4 फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। नम हमारा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो हम 4 ही मान लो मैच कर रहे हैं इस केस में 4, तो देखा कि क्या ये मैच हुआ, तो हाँ मैच हुआ, तो इस केस में ए आया इसमें, और इसमें मैंने एक काउंटर बढ़ा लिया 1 टाइम, ठीक है। फिर आई की वैल्यू आई हो गई 1, ठीक है, तो यहाँ पे आया 3, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये क्या मैच हुआ, नहीं हुआ, तो ये अभी नहीं काउंटर बढ़ेगा, आई की वैल्यू हुई 2, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ हो गया 4 और फिर मैच किया, ठीक है, तो इस बार मैच हो गया, तो ये हो गया 1 से 2 काउंटर रहेगी। बाकी इधर का पोर्शन किस तरह से मैनेज होगा, इसके लिए क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, तो 3 तो होगी नहीं क्योंकि लूप तो यहीं तक चलने वाला है, राइट। तो आई की वैल्यू तो 3 कभी होने वाली नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम साथ ही साथ जब ये इटरेट हो रहा होगा उसी टाइम पे ये जो एल की वैल्यू आ रही इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एल प्लस आई, ठीक है, और एरे ए आर आर जैसे कि इंडेक्स में इस तरह से पास कर दें और इक्वल इक्वल नम कर दें। तो क्या होगा, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम लूप चला तो एल प्लस 0, सेकेंड टाइम चला एल प्लस 1 और फिर एल प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतनी बार ही लूप चला है और ये इतनी बार इसमें भी चलेगा, राइट। तो हमारा क्या होगा इस केस में, इस केस में हमारा हो जाएगा कि एल एल की वैल्यू है 3, ठीक है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 ही मिल जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा हमारा 4 और इसमें आ जाएगा मेरा 5। तो क्या होगा, हम साथ ही साथ इसको भी चला लेंगे, तो क्या होगा 3 4 5 इंडेक्स इसको भी मैच करा लेंगे उसी टाइम पे। तो इससे क्या होगा कि हम आधे ही लूप में ऑकरेंसेस पता कर लेंगे। चलिए गाइस अपनी विंडो वापस आते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल सा इस कंडीशन को हम कॉपी करेंगे, राइट, इसको कॉपी करके और ऐसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा गाइस यहाँ पे एक चीज़ और करना है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो पाइथन की, जब यहाँ पे हम में इसको यहाँ पे जब ये यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इस केस में क्या होगा, ये फ्लोट में वैल्यू रिजल्ट हमें देगा, लाइक 3.0 समथिंग। सो ऐसे चांसेस आ सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट करेंगे +1। तो बेसिकली यहाँ होगा क्या गाइस, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो लेंथ है, जैसे कि मान लो 3 आया था, ठीक है, 6 एरे की, जो एरे की अगर लेंथ है 6, तो उसको जब डिवाइड किया तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आया 3, तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम 0, तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे पेंट में आपको दिखाया है 0 होगा, तो यहाँ पे 3, तो हम सीधे सीधे 0 1 2 और 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू, बट ठीक है। और ये वाला अपना साथ में ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ से भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आई की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी यहाँ पे पहुँचेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 0 था तो ये 1 होगा, ठीक है, तो हमारा काउंटर एक यहाँ पे भी चलेगा, तो सेकेंड वाला जो इफ हमारा है तो वो बेसिकली इस तरह से काम करेगा, और जब यहाँ पे लूप की वैल्यू आएगी तो हमारा ये, तो ये बेसिक जो यूज़फुल है, जो लेंथ का यहाँ पे बेसिक वर्क है वो यही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इतना कर लिया, ओके, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और अभी देखिए गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, पहले हम रन कराते हैं इतना, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ओके। चलिए अपने विंडो पे आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो इस तरह से था, ठीक है, इसी को हम लोग शिफ्ट इंटर और शिफ्ट इंटर, तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या चेंजेस मिल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं वो रिड्यूस हुए, मतलब इस बार 3 बार ही लूप हमारा चला है, और ये जबकि हमारा ऑकरेंसेस भी बता दिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब गाइस यहाँ पे हम ऑड वैल्यू कोई पास करेंगे,
तब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। वो क्यों आएगी? वो इस वजह से एरर आएगी, उसका रीज़न मैं बताता हूँ गाइस। यहाँ पे रीज़न ये है कि जो लेंथ है, जैसे कि यहाँ पे मैं पेंट पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल सेवन के केस में, ठीक है, तो सेवन के केस में यहाँ तक चलेगा राइट। तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो आई की वैल्यू बेसिकली मान लो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा साथ ही साथ बढ़ेगा। तो मतलब जब यहाँ पे हमारी आई होगी तो हम यहाँ पे होंगे, ठीक है, और जब आई यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पहुँच चुके होंगे, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, और जो कि एलिमेंट्स होगा नहीं तो एरर आएगी। तो उतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी आपको दिख जाता है क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे शिफ्ट इंटर करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है, ठीक है, जैसे कि जावा में आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, एक्सेप्शन। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैनेज ये कर सकते हैं कि लेंथ को यहाँ से कॉपी करेंगे, इस पूरी चीज़ को कॉपी, और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे एक कंडीशन, एंड अगर लेंथ, जो लेंथ आई है आई, अगर इसकी लेंथ लेस देन है, मैं इसको भी ओके लेस देन है लेंथ से और इक्वल है, लेस देन है एक्चुअली, लेंथ से लेस देन होना चाहिए, जो लेंथ है उससे लेस देन है, तब तो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल लेंथ है 7, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल है 7, तो यहाँ पे क्या होगा कि आई की वैल्यू होगी 3, और 3 और 4 कितना हो गया 7 राइट। तो हमने देखा कि 7 से क्या कम है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे विंडो पे मैं दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करते हैं 7 less 7, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी राइट। तो हमें जो अचीव करना है वो अचीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और इतनी कंडीशन मैंने अलग से अभी पुट की है, ठीक है। अभी चला के देखते हैं गाइस, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ओके, और इसको मैं करता हूँ शिफ्ट इंटर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस हमें मिल चुके हैं, और ये नंबर ऑफ इटरेशंस भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट बढ़ा लेता हूँ 2 का, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में 5, ठीक है, शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम आया, तो गाइस यहाँ पे 9 ऑकरेंसेज आ चुके हैं। और ये जबकि इसकी जो लेंथ थी इस एरे की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कितने बार इटरेशन सिर्फ करने पड़े, 7 टाइम। तो गाइस देख सकते हैं हमने किस तरह से अपने जो लूप को है मैनेज किया है, किस कंडीशंस को, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मैं चला रहा हूँ। तो कैसे चला रहा हूँ आप देख चुके होंगे गाइस, कि हम एक साइड इधर से रिवर्स ऑर्डर में समझ लो एक तरह से चल रहा है, कि मतलब पैरेलली चल रहा है, कि साथ में ये भी ऐसे चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो इस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।